ये है फ्लिपकार्ट का नया स्मार्टफोन जो उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। फ्लिपकार्ट ने स्मार्टट्रॉन के साथ में पार्टनरशिप की है। स्मार्टट्रॉन ने इस हैंडसेट को डिज़ाइन किया है और इसे मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। ये है रिव्यू का पहला भाग और इस भाग में मैं इस हैंडसेट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस हैंडसेट के खास फीचर्स के बारे में बताऊँगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और मैं अलग ही किस्म के वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह है फ्लिपकार्ट का बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही ख़रीदा है। बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं डिटेल्स दिया हुआ है कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। ये 3GB और 32GB वेरियंट है और ये मिस्टिक ब्लैक कलर का है। सार वैल्यूज़ भी यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। बॉक्स के ऊपर ये मेंशन किया हुआ है कि ये मेड इन इंडिया है। चलिए इसे मैं खोल देता हूँ और ये एक और डिब्बा है। यहाँ पर जो हार्डवेयर है उसके बारे में डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 13 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल के डुअल कैमराज हैं। 5.5 इंच का स्क्रीन है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में और ये डुअल सिम स्लॉट्स के साथ में आता है। 3500 mAh का बैटरी है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर पावर्ड है। 4G with voice over LTE सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड नॉगेट रन कर रहा है। सेंसर्स के बारे में भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैग्नेटिक सेंसर मिसिंग है अगर आपने गौर किया होगा तो। फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये क्विक चार्ज 2.0 सपोर्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बिलियन कैप्चर प्लस हैंडसेट की अनबॉक्सिंग। तो इस बॉक्स को मैं खोल देता हूँ और बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये यूज़र मैनुअल। बिग बिलियन कैप्चर प्लस का यूज़र मैनुअल है। ये क्विक स्टार्ट गाइड भी है, आपको इस हैंडसेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये है बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन, आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से ये इस तरीके का दिखता है। इसे मैं साइड में रख देता हूँ, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है। ओला का शेयर पासिस मिलते हैं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको ये डेटा केबल मिलता है, USB टू USB टाइप सी डेटा केबल। और जो अंतिम कंटेंट है वो है ये ट्रैवल चार्जर। ये फास्ट चार्जर है, 12 वोल्ट 1.5 एम्प इसकी रेटिंग है। एक और चीज़ है बॉक्स के अंदर और वो है ये सिम ट्रे इजेक्टर पिन। तो बस ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको इस बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर। तो ये है फ्लिपकार्ट का हैंडसेट। बिलियन का लोगो है, कैप्चर प्लस स्मार्टफोन का नाम है। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया लिखा हुआ है। पावर्ड बाय ट्रॉनिक्स। ट्रॉनिक्स जो है ये स्मार्टट्रॉन का है। इस हैंडसेट की जो बॉडी है वो मेटल की है। जो डुअल कैमराज है पीछे की तरफ देख सकते हैं वो थोड़ा सा बाहर है। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेम पर ये सिल्वर लाइनिंग है जो एक अलग ही लुक देता है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर है। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा ऑडियो जैक। लेफ्ट हैंड साइड पर है सिम ट्रे और नीचे की तरफ आपको मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट, एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर आउट वेंट। इस हैंडसेट में दो माइक्रोफोन्स है, एक नीचे की तरफ है और एक यहाँ पर। फिंगरप्रिंट सेंसर है पीछे की तरफ जो फास्ट और एक्यूरेट है। बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ठीक ठाक है। ये हैंडसेट का जो स्क्रीन है ये ड्रैगन टेल ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आता है। स्क्रीन का जो साइज़ है वो 5.5 इंचेस है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। टच बहुत ही स्मूथ है। इस हैंडसेट पर डेडिकेटेड बटन्स नहीं है नेविगेशन के लिए, आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं ये देखिए। और इस हैंडसेट पर 2.5D कर्व्ड ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री फिटेड स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ है। ये जो वेरिएंट मैंने ख़रीदा है इसमें 3GB रैम है और 32GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। ये स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर पावर्ड है जो जाना माना प्रोसेसर है। एंड्रॉयड नॉगेट रन कर रहा है 7.1.2। और सेंसर्स की अगर बात करें तो इसमें एक्सेलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी लाइट, जायरो, स्टेप और हॉल सेंसर्स। मैग्नेटिक सेंसर जो है वो मिसिंग है। सिम ट्रे को मैं इजेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि आप एक नैनो सिम और एक नैनो सिम, मतलब दो नैनो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जियो का सिम डाल दिया है
जियो काम कर रहा है, वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है और वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा है, LED नोटिफिकेशन है और OTG भी काम कर रहा है। इस हैंडसेट में 3500 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस हैंडसेट की खास बात यह है कि इसमें डुअल कैमरास है पीछे की तरफ, 13 MP और 13 MP के डुअल कैमरास। तो ये था रिव्यू का पहला भाग। रिव्यू के दूसरे भाग में मैं आपको इस हैंडसेट के परफॉर्मेंस के बारे में, गेम्स कितने स्मूथली चलते हैं, हीटअप होता है या नहीं, कैमरा की क्वालिटी वो मैं बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि इस हैंडसेट की बैटरी लाइफ कैसी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर दीजिए, जैसे ही रिव्यू लाइव हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।